अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। गुजराती वेलफेयर सोसाइटी के शारदीय नवरात्र पर गरबा डांडिया रंग अब जमने लगा है। एसएसडी मोतीराम कन्या महाविद्यालय के पंडाल में शाम होते ही मां शक्ति की आरती के साथ गुजराती भजन गूंजने लगते हैं। डांडिया मैं मानू गरबो घूम तो जाए, पानखेड़ा उड़ी रिजाजो पावागढ़ आदि गुजराती गीतों की गूंज रही। माता की आरती के बाद सजे गुजराती परिवार ने परिक्रमा करते हुए गरबा किया। इसके बाद डांडिया का पहला राउंड चला और अगले कॉम्पिटिशन राउंड में प्रतिभागी ने धमाल मचाया। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पे पटना में गरबा खेल के, गुजरात से यहाँ पे हमें खेलने का मौका मिला, सबसे ज्यादा अच्छी बात है। पहली बार? हाँ, हमारा पहली बार है। हाँ, गुजरात से और हम गुजरात से खेलने के लिए स्पेशल आए। स्पेशल आए? हर साल आते हो? ना, पहली बार। कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। मैं हम लोग कितने सालों से यहाँ पे, बहुत सालों से यहाँ पे हम लोग नवरात्रि कर रहे हैं, तो बहुत मतलब हम सब एक परिवार हैं यहाँ पे, सब लोग सब लोग धर्मा के आते हैं, ऐसा कोई नहीं कि गुजराती उनका है, गुजराती आएंगे, पंजाबी आते हैं, तो सब कोई भी धर्मा के आ सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी हर साल मज़ा आता है। मैं अभी गुजरात चला गया हूँ कितने सालों से, तो फिर अभी दो तीन साल से ही मैं जब भी जब से गुजरात गया हूँ हमेशा वहाँ से यहाँ पे स्पेशल नवरात्रि के लिए आता हूँ। और बाकी सब और भी मज़ा आता है हम लोगों को यहाँ पे। सिर्फ यहाँ की खासियत है कि ऐसे कोई ऐसे जैसे कुछ आपने देखा होगा गुजराती कि यहाँ पे जो करते हैं उसमें फ्री टाइम पे और कोई म्यूज़िक बजाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ कोई म्यूज़िक बजता है कि जैसा अपना अम्बे माँ का ही बजता है, कोई ऐसा ऐसा अलग वाला नहीं। बस तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत पंजाबी आप सोच भी नहीं सकते, सब पंजाबी जो किस तरह तैयार हो गए हैं, सब ड्रेसों में आ रहे हैं और सब इतना ट्रेंड हो चुके हैं कि हमको लगता ही नहीं कि पंजाबी नहीं हो जाते हैं। लोकल एरिया से है, बाहर से कुछ रिफाइनरी से भी आते हैं, तकरीबन सब पंजाबी ज़्यादा है। कितने दिन चलता है प्रोग्राम? 9 दिन लगातार चलता है और ये वहाँ अम्बे के लिए किया जाता है और दशहरा के दिन हम गरबे का विसर्जन करते हैं नहर पे, उसके बाद हवन वगैरह करके फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। 6 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी और सभी को फ्री में सिखाया गया था। ये वृंदा और जाती स्पेशल टाइम निकाल के ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे को यहाँ आए हुए बठिंडा में 4 साल हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, लगता ही नहीं कि हम पंजाब में, पूरी जैसे हम गुजरात में ही ऐसा ही लगता है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे ट्रेनिंग भी रखते हैं, भी रखते हैं, कई बार बाहर के लोग भी रख लेते हैं और सबको फ्री में सिखाती हैं, और जो सीखने के लिए आती हैं उनको यहाँ खेलने के लिए पास रखती है। ट्रेनिंग कभी 6 दिन की रखते हैं, कभी 1 हफ्ते की रख लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में भी सब बहुत इंटरेस्ट से आते हैं, उधर सीखते भी हैं और रात को यहाँ पे खेलने भी आते हैं। यहाँ पर गुजराती फैमिली बहुत ही सारे दिखते हैं, पंजाबी हैं, लेकिन वो भी बहुत हमारी तरह ही खेलते हैं, क्योंकि 19 सालों से चल रहा है तो वो भी सीख गए हैं और उन्होंने गुजराती ड्रेस भी खरीदी और ड्रेस में भी कोशिश की आते हैं और खेलते हैं। लगता ही नहीं कि कौन पंजाबी है कौन गुजराती है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहली बार हमने डांडिया गरबा डांस ज्वाइन किया है तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से हैं तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। पहले हमने देखा तो हमें अच्छा लगा, तो हमने ज्वाइन भी किया, हमें अच्छा लगा। हर रोज़ हम आ रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं सर, तो हमारे लिए नई बात है। हमारे बिल्कुल बिल्कुल ये मैं कहना चाहूँगी कि हमारे रिश्तेदार भी हमारा दादा ने दादा देखने आ रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें बहुत कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप और बहुत अच्छा सीखा है हमने इनसे, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे रिलेटिव्स हैं, आस पास वाले सभी ने देखा हमारा गरबा, यहाँ पे देखने भी आपके अच्छे हमारे लिए, तो सभी को बहुत अच्छा लगा और नई चीज़ हमारे लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।